<प्रीण> या नूर, ला। ला या नूर प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन एक बार फिर आपको किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं वेलकम कहते हैं प्रोग्राम का नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ ऑफ मोहम्मद नाम सही ही वाजह है के इस प्रोग्राम में हम नबी पाक अली सलाम की मुबारक जिंदगी के बारे में जो नबी सलाम की लाइफ गुजरी है ना उसके बारे में आपको कुछ बातें बयान करते हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर तो आइए प्यारे बच्चों अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं दुरुद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मतीनी मुस्तफ़ा वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या फरमाया जो बंदा मेरी जात पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर दस रहमतें नाजिल फरमाता है था। था हमें भी चाहिए कि हम भी नबी पाक अली पाकलाम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें ताकि उसकी बरकतें हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हों हासिल आइए मिलकर तो तो सुन ली है एक बहुत ही प्यारा कलाम है हमारे साथ मंत्री चैनल के एक बहुत ही प्यारे खां अहद अतारी मौजूद है आइए उनकी जानब बढ़ते हैं और उनसे कलाम सुनते हैं जी अहद भाई sallallahu alayka ya rasulullah wa sallam alayka ya habibullah ab meri nigaah कोई नहीं कोई जैसे मेरे का ऋग ऐसा नहीं कोई नहीं कोई जैसे मेरे का ऋग तुम सा तो हसी आंख ने देखा नहीं कोई ये शान लताफ़त है के के नहीं कोई नी को शान लता है है के सी कोई नहीं कोई, कोई जैसे मेरे सर ओ, तागे तागे जिक्रे के के, का हो ताघ जगजान जिक्र मोहम्मद के कर्म का हो ताघे जगजान में मरू मैं तमन्ना जय से मेरे सर का ऋ ग सरकार की रहमत ने, ने, मगर खूब नवाजा ये सच गए के खालिद तुम तुम्मा लगी कोई, ने की कोई सरकार की रामत ने मगर खूब नवाजा सरकार की रामत ने सच ग के खालिद सानी ओम माँ कोई को कोई सच गे सच के खालिद सानी पोमांगी को कोई अब में रीडी गा मैं मै जजता नी कोई नहि कोई जैसे मेरे सर पार गए लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत कलाम है तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी प्यारे प्यारे बच्चों आज आपको नबी पाक अली सलातुसम की मुबारक जिंदगी का एक ऐसा जबरदस्त वाक्य सुनाना है कि आपको सुनकर इन शजीज मज़े को मज़ा आ जाए तो आइए बढ़ते हैं अपने वाक्य की जानब तोज्जो से सुनिएगा प्यारे बच्चों और किड्स मदेजर के नाजी जब नबी पाक अली सलातु वाम की मुबारक उम्र हुई पैंतीस साल थर्टी फाइव पैंतीस साल की जब आपकी उम्र हुई तो कुरैश ने काबमा को दोबारा से बनाना शुरू किया तो उस वक्त जो खाना काबा को तामीर किया गया था ना तो उसका दरवाजा जमीन के बिल्कुल लेवल के बराबर में था जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि सत जमीन से बिल्कुल बराबर था अब मामला ये था कि दरवाजा बिल्कुल जमीन के लेवल पर है अब जब बारिशें होती तो पानी वो स्लोब के जरिए खाना काबा के अंदर चला जा करता था उसका बारिश का जो पानी था अब उजाह बिल्कुल लेवल में होता है ना तो वो पानी अंदर अंदर जमा हो रहा था तो उसको रोकने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर जो वहाँ के मकामी लोग थे उन लोगों ने वहाँ पर कुछ बंद भी बांध दिए जो बालाई हिस्से वगैरह थे जहाँ से पानी जो है वो आया करता था बहकर वहाँ पर उन लोगों ने बंद भी लगा दिए बंद कहते हैं कि कोई ऐसी रुकावट लगा देते हैं ताकि पानी आगे बढ़ ना सके अब वो पूरे फ्लो के अंदर पानी आ रहा है उन्होंने वहाँ पर बंद भी बांध दिए कि किसी न किसी ज़रिए से पानी रुक जाए लेकिन वो पानी रुकने का नाम नहीं ले, नहीं ले रहा था वो पानी आ रहा था वो खाने काबा के अंदर पानी दाखिल हो रहा था और एक दफा तो ऐसा हुआ प्यारे बच्चों कि बहुत तेज बारिश आई हद तक के खाने काबा की जो दीवारें थी वो क्रेक हो गई उसमें दरारें आ गई उसको बोलते हैं ना कि दीवारें फट जाना तो दीवारें जो है वो फट गईं और इसलिए कुरैश ने अब यह फैसला किया कि पुरानी इमारत को ढाकर नए सिरे से एक मजबूत इमारत यहाँ पर बनाई जाए उसने इतफाक से मामला यह हुआ कि एक ताजी ताजर जिसका नाम बाकूम था उसका जहाज साहिल जद्दा से किनारे के पास आया और आकर टूट गया अब क्या हुआ कि बाक़ूम मस्कूर जो है वो म्यामार और नजार भी था कुरैश को जब खबर लगी तो उनमें से कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने कहा कि हम जो है वो खाना काबा को तामीर कर रहे हैं उसके लिए हमें लकड़ियों के तख्ते चाहिए तो तुम ये तख्ते हमें जो है वो ये मोल के तौर पर दे दो तो हम तुम्हें कीमत देते हैं तुम ये हमें बेच दो लिहाजा उन्होंने वो मोल ले लिए और बाक़ूम को भी साथ ले लिया दीवारों के लिए कुरेश के हर एक कबीजे ने अलग अलग पत्थर ढूँढने शुरू कर दिए दो दो बंदे जाते और खाना काबा के लिए पत्थर उठा कर एक साथ क्योंकि बड़े बड़े पत्थर थे एक बंदे का उठाना मुश्किल होता था तो दो बंदे साथ जाते और जाकर वो पत्थर लेकर आया करते थे प्यारे बच्चों इस काम में हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे और नबी पाक इस्लाम के साथ उनके मुबारक चचा हज़रत अब्बास तला भी मौजूद थे अब ये दोनों गए और जाकर इस तरीके से पत्थर को उठाकर लेकर आए जब सामान इमारत जमा हो गया तो अबू वाहब बिन अमर बिन आयस मखजूमी के मशवरे से कबाइल कुरैश ने तामीर के लिए बैतुल्ला की चारों तरफे आपस में तकसीम कर ली अबू वाहब ये नबी पाक के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था उसने कुरैश से कहा कि काबे की तामीर में सिर्फ और सिर्फ हलाल कमाई ही शामिल की जाए बिल्कुल सौ फीसद हलाल कमाई होनी चाहिए जहाँ पर कोई हराम का शाइबा भी कोई शक शुबा भी हो वो पैसा उसके अंदर शामिल ना किया जाए जब इमारत हजर स्वद के मकाम को पहुंच गई तो अब कबीले वाले लड़ पड़े हर कबीला कहता कि हजर इसव अब खाने काबा के अंदर हम नसब करेंगे अब जब ये फैसला जो है वो हो नहीं पा रहा था और एक दिन गुजर गया दो दिन गुजर गए तीन दिन गुजर गए चार दिन इसी चक्कर में गुजर गए इसी कशमकश में कि खाना काबा के अंदर हजर रसवद कौन लगाएगा क्योंकि सारे कबीले वाले लड़ रहे हैं कि हम ये सदत हासिल करना चाह रहे हैं हम लगाएंगे हम लगाएंगे अब फैसला ये हुआ कि अबू उमैया बिन मुगैरा मखजूमी ये हजरत उमन उम्मे सलमा रबी का वालिद और कुरैश में सबसे बड़ी उम्र का था इसने ये एक राय दी इसने ये एक मशवरा दिया कि एक काम ये करते हैं कि हम ये फैसला करते हैं कि कल सुबह मस्जिद के बाब बनी शैबा से हरम में जो शख्स सबसे पहले इंटर होगा दाखिल होगा वो फैसला करे उसको हम सालिस बना लेंगे वो फैसला करे भी करना क्या सबसे पहले अगले दिन जब सुबह हुई तो उस वक़्त जो मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाले शख्स थे वो कोई और नहीं वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद वसल्लम थे सबसे पहले नबी ये पागल इस्लाम दाखिल हुए अब जब नबी पागल इस्लाम तरीफ तो जाए ना तो सारे लोग उनको देख कर खुश हो गए और सब ने बैक जबान कहा कि ये अमीन है अमीन हम इन पर राजी हैं जब उन्होंने ये मामला जिक्र किया तो नबी पाक इस्लाम ने क्या शानदार फैसला फरमाया नबी पाक इस्लाम के फैसलों मुबारक फैसलों में बड़ा शानदार फैसला अब आप देखें कि नबी पाक इस्लाम ने ये इर्शात फरमाया कि तुम लोग एक काम करो चादर को बिछाओ और हजर स्वद उसके ऊपर रख दो अब करना ये है कि सारे कबीले वाले अपने अपने कबीलों में से एक बंदा चूज कर लें एक बंदा सेलेक्ट कर लें और वो आगे आ जाए और वह सारे कबीले के अफराद मिलकर चादर को उठाएं और फिर उसके बाद जब वो उस वक़ाम के पास पहुंच गए कि जहां पर उसको फिट करना था हजर रसवत को नसब करना था लगाना था तो फिर नबी पाक इस्लाम ने हजर रवद को अपने मुबारक हाथों से उठाकर दीवार के अंदर नस्ब कर दिया और यूं सारे कबीले वालों का झगड़ा भी ख़त्म हो गया और सारे कबीले वाले खुश भी हो गए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह तो देखें ये नबी पाक इस्लाम के शानदार फ़ैसले और यूं आपने मुबारक जिंदगी गुजारी है तो प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन और जो बड़े भी हमें देख रहे हैं फैसले करने का मौक़ा मिलता तो हमेशा फ़ैसला वही करना चाहिए जो सच के साथ हो और हमेशा वही फैसला करना चाहिए जो अच्छा फ़ैसला हो तो अल्लाह तबारक वाली से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको भी नबी पाक इस्लाम की मुबारक जिंदगी पर और आपकी मुबारक सीरत पर अमल पैरा होने की तोफ़ी कता फ़रमाए आमी नबीम सल अल्लाह वसलम आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब और इस सेगमेंट में हमारे साथ दो बच्चे होते हैं सैगमेंट है उसका नाम है आका सल अल्लाह वसलम के शब रोज़ जी प्यारे बच्चों सेगमेंट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज आज आप किस मौजू पर बयान कर रहे हैं वैसे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के मौजू पर आज कुछ गुफ्तु होगी चले आइए इनकी जाने बढ़ते हैं और इनसे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के मुतालिक कुछ प्यारी प्यारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं जी प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन इस सेगमेंट में हम सुनते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत हैं और प्यारे बच्चों आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे वो है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना जी हाँ प्यारे बच्चों हमारे प्यारे आका मीठे मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते थे और आप वसल्लम ने हमें भी इस बात की तरगीब इरशाद फरमाई है कि हम भी अल्लाह पाक की नामतों का शुक्र अदा करें कभी भी ना शुक्रिया ना करें और प्यारे बच्चों शुक्र अदा करना सारे अमिया कर सन्नत है कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने हमें शुक्र अदा करने का हुक्म इर्शाद फरमाया है अल्लाह पाक इर्शाद फरमाता है तुम अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूँगा तो प्यारे बच्चों हमें भी अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए शुक्र अदा करने के बेहतरीन अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तोफीक नसीब फरमाए आमीन 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 अल्लाह पाक हमें हमेशा अपना शुक्र गुजार बंदा बनाए प्यारे बच्चों हमें हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए देखें जो शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक की अभी आपने अल्लाह पाक का फरमान सुना ना कि अल्लाह पाक का जो शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक अपनी नेमतें उस पर और ज़्यादा बढ़ा देता है और जो अल्लाह पाक की नेमतों के बावजूद ना शुक्री करता है तो फिर ये खौफ रहता है कि उसके पास जो नहमतें हैं वो भी कहीं उसे छीन ही नहीं जाएँ हमारे यहाँ एक तादाद एक तादाद लोगों की जो ना नाशुक्री कर रही होती है अच्छा फिर हर वक्त ये भी नहीं है कि बंदा अच्छे हालात में ही रहेगा कभी ना कभी तो बुरे हालात आ ही जाते हैं ना बंदे के पास ज़िंदगी के अक्सर हिस्से में सेहत होती है मतलब तो ठीक ठाक ज़िंदगी गुजारता है अगर कभी बीमारी आ जाती है तो नाशुक्री नहीं अदा करनी चाहिए हैं अच्छा फिर प्यारे बच्चों दो चीज़ें होती हैं एक होती है ज़रूरत और एक होती है ख्वाहिश ख्वाहिश ये है कि मैं पिज़्ज़ा भी खाऊं, मैं बर्गर भी खाऊं, मैं फलां जूस भी पीऊं। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती हैं तो वो बड़ा डिसहार्ट हो रहे होते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही है उनको रात के खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं कितनी ये एक वो तकलीफ बात होती है? लोगों को शाम के हमने तो उसको शाम के नाश्ते का टाइम खान नाम दे दिया है कि जनाब चाय के साथ जो है वो बिस्कुट भी होने चाहिए तो समोसे भी होने चाहिए तो पकौड़ा भी होने चाहिए तो पैटिस भी होने चाहिए और बाद बच्चों को ये कहते हुए मैंने खुद अपनी कानू से सुना है कि रूखी चाय हमसे नहीं पी जाती भाई सूखी चाय हमसे नहीं पी जाती चाय के साथ कुछ ना कुछ तो हो अब लोगों को बेचारों को खाने को नहीं मिल रहा देखें हम अपनी ख्वाहिशात को कम करके किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं हम अपनी ख्वाहिशात जो बहुत सारी ख्वाहिशात हमारी फैली हुई हैं उनको थोड़ा सा समेट कर किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं किसी के खाने का इंतजाम कर सकते हैं किसी के ओढ़ने पहनने का इंतज़ाम कर सकते हैं तो अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमेशा आखिरी बात कर रहा हूँ इस मौजू पर कि हमेशा नमतों में अपने से नीचे वाले को देखें आप जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना प्यारे बच्चों और मदरी चंद के नाजरीन जैसी ज़िंदगी में गारंटी से कह रहा हूँ जैसी जिंदगी आप लोग आप लोग गुजार रहे हैं ऐसी जिंदगी गुजारने के लाखों लोग सिर्फ ख्वाब देख रहे हो सकता है आप कहें कि उमर भाई ये कैसे मैं परेशान मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं मेरी जैसी जिंदगी गुजारने के कौन ख्वाब देखेगा तो प्यारे बच्चों आप अपनी आंखों से किड्स भतीचे चैनल देख रहे हैं आप अपनी टांगों से चल कर मस्जिद जाते हैं दुनिया में लाखों बेहिसाब ऐसे लोग हैं जो आंखों से नाबीना है लाखों लोग ऐसे हैं जो पाँव से चल नहीं सकते अल्लाह पाक ने हमें आंखें दी हैं अल्लाह पाक ने हमें कान दिए हैं अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतें दी हैं कितने लोग हैं जिनके पास ये नहीं है ना वो एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो जा रहे थे तो उनके पास चप्पल नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की मौला चप्पल ही नहीं है मेरे पास थोड़ा आगे गए तो देखा एक बंदा था जिसके पाँव ही नहीं थे अर्ज की या पाक परवरदिगार शुक्र है तूने पाँव तो होता फरमाए चप्पल नहीं है तो क्या हो गया पाँव तो है कम अज़ कम तो इसीलिए अपने से ऊंची गाड़ी वाले को देख कर जो है ना वो अपनी गाड़ी को हिकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए जो है उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक के तब फरमाएं आप अगर किराए के मकान में रहें तो भी ना शुक्र ही नहीं करें शुक्र करें आप किराए के मकान में आप जेल में नहीं जिंदगी गुजार रहे आज़ाद जिंदगी तो गुजार रहे हैं ना और जो जेल में है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे वो कम अज़ कम आई सी यू में तो नहीं है ना आई सी यू वाला बंदा तो और बेचारा परेशान है तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तोफ़ी के फरमाए आमीन अलैहि नबीमिन हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं आए उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और जो इस वक्त प्यारे बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी कहें अलहमद <ख़ा> अल्लाह <अल्हंदि ल्ला। ख़ा> <ख़ा> <अल्हंदि> <अल्हा> <ख़ा> अल्हा> पाक हम सबको हर हाल में अपने गुजार बंदा बनाए आमीन नबी आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानब जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब अल्फाज मोती जवाब आइए बढ़ते हैं अल्फाज मोती हैं और जवाब अनमोल हम्म इस सेगमेंट में करना क्या है होता यह है कि यहाँ आपको दो बोर्ड नजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों एक बोर्ड है वाइट बोर्ड ठीक है और दूसरा बोर्ड है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कुछ है? अल्फाज Unboard. लिखे हैं ठीक है करना यह है कि आप में से हम यूं करते हैं कि जो मेरे दाएं जानेब बच्चे बैठे हैं राइट साइड पर इनको टीम ए कर लेते हैं और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे इनको करते हैं टीम बी अच्छा जिस टीम से भी बच्चा आएगा उन्होंने करना यह होगा कि उनको मार्कर देंगे और ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना इन अल्फाज में से आपने अल्फाज लेते लेते जाना है लेते जाना है और फिर एक जुमला बनाकर आपने वाइट बोर्ड के ऊपर वो जुमला लिखना है ठीक है तो बढ़ते हैं टीम ए की जाने माइक आप मुझे देंगे और टीम ए की जानब बढ़ेंगे और टीम ए से कौन से बच्चे आएंगे हाथ उठाएं ज़रा चलें आप माइक लेंगे आप सबसे पहले अपना नाम बताएं सैयद फाइक अली सैयद फाइक अली माशा फाइक भाई आप समझ गए कैसे करना है माइक मुझे दें और मारकर आपको देते हैं और आप पहुंचे और उसके बाद आपने एक जुमला जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर लिखना है देखते हैं कि आप किड्स मदनी चैनल के प्यारे बच्चों को क्या पैगाम देते हैं जी आपके टाइम में स्टार्ट होता है अब हम्म फाइक भाई लगता है नमाज के बारे में कुछ बात लिख रहे हैं अरे वाह माशाल्लाह एक जुमला मुकम्मल कर लिया है फाइक भाई मुकम्मल हो गया माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाएंगे आप और मार्कर मुझे दे दें और माइक आप ले लें सबसे पहले तो आप ये बताएंगे आपने लिखा क्या है नमाज़ फ़र्ज है नमाज़ फ़र्ज है माशाल्लाह जुमला तो बड़ा ख़ूबसूरत आपने लिखा है और यहाँ पर ये यह कहाँ लिखा है पहले ये आप बताएं नमाज हुँ? फ़र्ज़ है है फाइक भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आगा। 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 फाइक भाई अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे आप बिल्कुल नमाज फर्ज है और जिन बच्चों पर नमाज़ फ़र्ज है उनको चाहिए कि वो आ, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें और जो छोटे बच्चे हैं मस्जिद नहीं जा सकते हैं वो अपने घरों पर अपनी अम्मी के साथ नमाज़ पढ़ेंगे इन शह है हैं टीम बी की जानेब और टीम बी से किसी बच्चे को बुलाते हैं जी टीम बी से कौन से बच्चे आना चाहेंगे हाथ उठाएंगे जो जो आना चाहते हैं माशाल्लाह चले आप 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 आए सबसे पहले नाम बताएंगे अब अपना हादी। अब्दुल हादी, अब्दुल अब्दुल हादी कैसे हैं ठीक ठीक हैं माशाल्लाह तो कर लेंगे आप लिख लेंगे चलें मार्कर मैं आपको दे रहा हूँ और उसके बाद आप पहुँचेंगे बोर्ड के पास देखते हैं अब्दुल हादी भाई हमें क्या बात सिखाते हैं जी अब्दुल हादी भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है अब अल्लाह, लिखा है फिर कुछ मिटाया है अब दोबारा कुछ लिख रहे हैं जी आपको क्या लगता है प्यारे मुन्ने क्या लगता है लिख लेंगे लिख लेंगे लिख लेंगे अब्दुल हादी भाई आपके पास वक्त थोड़ा सा कम है हम काउंट डाउन देना शुरू करते हैं टेन नाइन एट जल्दी से जो एक जुमला है तो लिख लें जल्दी से जी अब्दुल हादी भाई ने कुछ जुमला लिखा तो है अब्दुल हादी भाई आप इस तरफ आएंगे और आप मारकर मुझे दे दीजिएगा एक जुमला तो आपने लिखा है और जुमला है तो बड़ा प्यारा सा बताएंगे माइक पर क्या लिखा है माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए जी बिल्कुल करनी चाहिए और यहाँ पर यह जुमला कहाँ लिखा है आप बता दीजिएगा जरा माँ माँ बाप की, की खिदमत करनी कहाँ लिखा करनी है करनी जी करनी चाहिए जी हाँ आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है अल्लाह जी प्यारे बच्चों आप अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे माशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा है राइटिंग में बाज़ात बच्चे हमारे साथ होते हैं तो थोड़ी बहुत कुछ कमी बेशी हो जाती है तो उसके लिए हम आपसे मददरतवाए हैं लेकिन यह कि माशाल्लाह एक बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया है और माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए उनके सामने ज़बान नहीं चलानी चाहिए अगर वो किसी बात का कहें तो उनकी बात को मान लेना चाहिए अगर वो कहें कि बेटा फला तो आनी चाहिए तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आप कुछ प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे जान रहे थे हम आपको बयान कर रहे थे इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने खतम को पहुंचा आपसे मुलाकात होगी हमारी इन शजीज नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा सल्लु वल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किड्स मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल बच्चों मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया आ गया